आज हम सर्वेक्षण अनुसंधान विधि के जो उपकरण होते हैं, सर्वेक्षण करने के जो उपकरण होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अभी हम उपकरण पढ़ रहे हैं, इनकी एक अलग से यूनिट है, तो उसमें हम अलग से उनका एक विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि सर्वेक्षण अनुसंधान के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा हम इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान एक सामाजिक अनुसंधान है जो समाज से जुड़ी विभिन्न घटनाओं पर संबंधित होता है, और जब हम आंकड़े एकत्रित करते हैं या जो तथ्य एकत्रित करते हैं, वो सभी जो होते हैं वो मौलिक होते हैं, प्राथमिक रूप में होते हैं, क्योंकि हम विभिन्न विधियों द्वारा हम सीधे जो तथ्य होते हैं उनसे उन तक पहुंचकर हम वहां से कलेक्शन करते हैं। हमें मूल स्रोत तक पहुंचना पड़ता है सर्वेक्षण अनुसंधान में। अगर हम मूल स्रोत तक नहीं पहुंचेंगे तो वो सर्वेक्षण हो सकता है हमारा सुमान्य ना हो, और हमारे जो रिजल्ट्स चाहिए, जो निष्कर्ष चाहिए, वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो सर्वेक्षण अनुसंधान कम जो आंकड़ों का संग्रह कर रहे हैं या जो तथ्यों का संग्रह कर रहे हैं, वो मूल रूप से प्राकृतिक होने चाहिए, प्राथमिक होने चाहिए और मूल स्रोत से लिए जाने चाहिए। अब इन आंकड़ों के संग्रहण के लिए हमें किन किन विधियों का उपयोग करते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली विधि होती है वो होती है अवलोकन। अब अवलोकन का मतलब ऑब्जर्वेशन, हम किस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी आंखों से देखकर उसके ऊपर हम अपनी राय प्रस्तुत करते हैं या उसको देखकर हम उसको लेखबद्ध करते हैं। अब अवलोकन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें संरचित अवलोकन, असंरचित अवलोकन, इसके अलावा जो दूसरे अवलोकन होते हैं उनमें जैसे सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और संरचनात्मक अवलोकन, असंरचनात्मक अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और अनियंत्रित अवलोकन। ये जो अवलोकन है, अब सहभागी अवलोकन की बात करें तो सहभागी अवलोकन जब हम जिस जनसमूह की या जिस ग्रुप की हम अनुसंधान कर रहे हैं उस ग्रुप के साथ में रहकर हम उनको ऑब्जर्व करें, यानी उस ग्रुप को पता नहीं होगा कि हम उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं, और हम उनके साथ में रहकर उनको अवलोकित करेंगे। जैसे किसी पुस्तकालय का अध्ययन कर रहे हैं, हम पुस्तकालय के पाठकों का अध्ययन कर रहे हैं, पाठकों के संबंधित कोई भी अनुसंधान कर रहे हैं, तो हम पाठकों के साथ में एक पाठक बनकर हम उनको ऑब्जर्व करेंगे। या फिर किसी छात्रों का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो छात्र बनकर करेंगे, या फिर किसी जनसंख्या का कर रहे हैं तो उस जनसंख्या के संबंधित हम उनके साथ में रहकर हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनका अवलोकन करेंगे। इसके अलावा दूसरा होता है वह असहभागी अवलोकन होता है। अब असहभागी अवलोकन जो होता है वो हम जो जिनके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं वो नहीं होकर, उनके साथ में हम नहीं होकर हम अलग से उनको अवलोकन करते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब हम उनका अवलोकन करते हैं तो हो सकता है वो हमारी गतिविधि को देख ले और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर ले, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए अधिकतम जो सर्वेक्षण अनुसंधान होते हैं, सामाजिक अनुसंधान होते हैं, उसमें सहभागी अवलोकन को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। असहभागी अवलोकन भी होता है, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में असहभागी अवलोकन भी करना पड़ता है, लेकिन उसमें त्रुटि आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा संरचनात्मक अवलोकन और असंरचनात्मक अवलोकन। संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर, तो जो अवलोकन करते हैं उसका पहले से हम रूपरेखा तैयार करते हैं और
और वो अवलोकन प्राकृतिक नहीं होकर कृत्रिम रूप से होता है। हमें हम हर चीज़ जो ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं वो पहले से तैयार की जाती है, और असंरचनात्मक जो अवलोकन होता है उसमें बिना किसी पूर्व निर्धारित और सुपरिभाषित परिस्थितियों के आधार पर हम अवलोकन करते हैं। इसके अलावा जो अवलोकन होता है वह नियंत्रित अवलोकन और अनियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन एक नियंत्रित परिस्थितियों में होता है, जैसे प्रयोगशाला के अंदर कोई अवलोकन कर रहे हैं, किसी एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत अवलोकन कर रहे हैं, तो वो नियंत्रित अवलोकन कहलाएगा। और अनियंत्रित अवलोकन वह होता है जो प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाता है। तो ये कुछ अवलोकन के प्रकार हैं। अवलोकन को हम आगे वाले जो अध्ययन में हम उसको विस्तृत रूप से उदाहरण सहित अध्ययन और भी करेंगे। अवलोकन के बाद में दूसरा जो सर्वेक्षण में आंकड़ा संग्रहण का जो आधार है वो है साक्षात्कार, इंटरव्यू। हम जिस स्थिति का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जहाँ हम अनुसंधान कर रहे हैं, उनका हम साक्षात्कार करके, उनका हम इंटरव्यू लेके अनुसंधान कर सकते हैं। अब साक्षात्कार भी बहुत प्रकार के होते हैं, संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, नैदानिक साक्षात्कार, टेलीफोनिक साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार और सामूहिक साक्षात्कार। तो इंटरव्यू को हम समझते हैं कि इंटरव्यू किस प्रकार से लेते हैं, तो सर्वेक्षण अनुसंधान में भी जब हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो इंटरव्यू के द्वारा हम कर सकते हैं, जिन बातों को हम पूछना चाह रहे हैं वो इंटरव्यू के थ्रू हम कर सकते हैं। इसके अलावा प्रश्नावली, क्वेश्चनियर, प्रश्नावली हम जहाँ जिन जिन क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिस सामाजिक ग्रुप का अध्ययन कर रहे हैं, उन जिन जिन लोगों का अध्ययन कर रहे हैं, जिन जिन एरिया पर अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ पर हम अपनी प्रश्नावली तैयार करते हैं उसके लिए कि हमें किस किस तरह के उनको प्रश्न पूछने हैं और वो आंसर किस प्रकार से देंगे उन प्रश्नों के, और प्रश्नावली कितनी बड़ी होगी, क्या क्या प्रश्न होंगे, तो ये सभी प्रश्नावलियाँ तैयार करके उनको जो जिनके ऊपर हम अनुसंधान कर रहे हैं उनको भेजी जाती है और उनको उनसे प्रश्न उत्तर प्रश्न किए जाते हैं और वो अपना उत्तर निर्धारित करके लिखकर उसमें वापस हमें भेजते हैं। अब इसमें भी बहुत सारी कमियां होती है, और कमियां मतलब यह है कि हो सकता है आपके उत्तर वो नहीं दे पाए, या फिर भेजने की व्यवस्था, वापस वहाँ से प्राप्त करने की व्यवस्था, ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब परिस्थितियों के आधार पर निर्भर करती है। प्रश्नावली के बाद में होता है टेलीफोनिक एवं मोबाइल सर्वेक्षण। वर्तमान में जो टेलीफोन और मोबाइल का जो आविष्कार होने के बाद में जो उपयोग हो रहा है, तो जो टेलीफोनिक और मोबाइल के द्वारा भी सर्वेक्षण किया जाता है। विभिन्न लोगों को या व्यक्तियों को हम टेलीफोन के द्वारा या मोबाइल के द्वारा अपने जो भी क्वेश्चन पूछना होता है सर्वेक्षण के संबंधित, या फिर जो भी आंकड़े हम इकट्ठे कर रहे हैं उनके ऊपर हम उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये काफ़ी आसान विधि है, मितव्यय विधि है, कम खर्च में ये काम हो जाता है और एक मान्यता प्राप्त अनुसंधान होता है और आंकड़ों का संग्रहण इनका मान्यता प्राप्त होता है। इसमें जो कुछ फायदे भी हैं, कुछ कमियाँ ही हैं। तो फायदे तो यही है, संप्रेषण को पता सीधा व्यक्तिगत रूप से, और हम जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर हम ले पाते हैं, मितव्ययी होता है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है। और कुछ कमियाँ भी हैं कि हम कोई विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो वो विस्तृत बात हम नहीं पूछ सकते हैं, उनकी मनोभाव, उनके हाव भाव को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो कुछ कमियाँ भी होती है और कुछ फायदे भी होते हैं। टेलीफोनिक और मोबाइल सर्वेक्षण के अलावा होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण। अब वर्तमान में जो ICT का जो उपयोग हो रहा है, तो ICT का उपयोग करते हुए आज अधिकतम जो सर्वेक्षण के संबंधित अनुसंधान होते हैं, हम जो डाटा कलेक्शन या तथ्यों का कलेक्शन करते हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ही हो रहा है। जैसे कोई टेक्स्ट मैसेज करना, कोई अपनी जैसे क्वेश्चन वगैरह है वो ईमेल के द्वारा किसी दूसरे को दूसरी जगह पर भेजना, संचार के अन्य माध्यमों का उपयोग करना, तो सभी जो ये चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रॉनिक जो सर्वेक्षण कहलाती है, और ये सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से ही संभव हुई है।
और वर्तमान में जो अधिकतम जो सर्वेक्षण संबंधित सामाजिक अनुसंधान होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण के ऊपर ही आधारित है। हम जैसे कि दूसरे महाविद्यालयों की सूचना मांग रहे हैं, किसी दूसरे पुस्तकालय की सूचना हम चाहते हैं, कई प्रश्नावली भेजनी है, कोई क्वेश्चन भेजना है, वापस वहाँ से मंगवाना है, तो जो ईमेल सिस्टम होता है ईमेल के माध्यम से विभिन्न पत्र हम भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं, कम खर्च में मंगवा सकते हैं और जो हमारा जो सर्वेक्षण है हम उसको पूरा कर सकते हैं। अब इसके भी बहुत सारे कुछ लाभ हैं, जैसे अत्यंत मित्र व्यय एक कम खर्च में आसान हो जाता है और जो प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाले दोनों के मध्य में आसानी से वार्तालाप हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की आने जाने की आवश्यकता नहीं होती है और इसके अलावा भौगोलिक सीमाओं की बाध्यता नहीं होती है, आप कहीं भी जाकर कहीं से भी कहीं की भी सूचना मांग सकते हैं। और कमी तो वही है कि हम हाव भाव के संबंधित या फिर एक्सप्रेशन वाली जब बात आती है हम उसका एक्सप्रेशन का ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि नेचुरली जो किसी व्यक्ति की जो मनोभाव होते हैं, जो कुछ कहना चाहता है उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ सामान्य विधियाँ हैं सर्वेक्षण की, इनको हम अलग से एक यूनिट के रूप में भी पढ़ेंगे, लेकिन सर्वेक्षण अनुसंधान के साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं, जो किस प्रकार से हम इनका डाटा का कलेक्शन करते हैं, इस कारण से हमने इसका अध्ययन